की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है, जहां कुल्लू और मनाली में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पिछले कुछ दिनों में यहां कई घटनाएं हुई है, जिनमें ताजा मामला मणिकरण का है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। बीते कुछ दिनों पहले ही मनाली में फ्लैश फ्लड आया था और अब कुल्लू में मणिकरण में भी फ्लैश फ्लड की घटना सामने आई है। मणिकरण के तोस गांव में बादल फटने की वजह से नाले में बाढ़ आ गई, जिससे दुकानें और होटल को नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस घटना में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। उधर पलचान के पास ले मनाली हाईवे फिर से बंद हो गया है। भारी बारिश के बाद हाईवे पर पानी और मलबा आ गया था, जिससे अंजनी महादेव नाले में जलस्तर बढ़ गया और नाले ने अपना रास्ता बदल दिया। अब बीआरओ की मशीनरी मलबा हटाने में जुटी हुई है और सुबह 10 बजे के करीब हाईवे को बहाल कर दिया गया है। कुल्लू की मणिकरण घाटी के तोश गांव में मंगलवार रात करीब 2 बजे बारिश हुई, जिससे नाले में बाढ़ आ गई। इस बाढ़ ने अस्थायी शेड्स, दुकानों और शराब के ठेकों को बहा दिया। डीसी कुल्लू तोरल एस रवीश ने बताया कि प्रशासन ने राजस्व विभाग की टीम को नुकसान का आलंकन करने के लिए भेजा है। ग्रामीण किशन ने बताया कि पूर्व उप प्रधान के होटल को भी नुकसान पहुंचा है और एक व्यक्ति की दो दुकानें भी फ्लैश फ्लड में बह गई है। ये पहली बार नहीं है कि कुल्लू मनाली क्षेत्र में इस तरह की बाढ़ आई हो। इस तरह का कहर पिछली 2-3 सालों में कई बार देखने को मिला है। बता दें कि 16 जुलाई 2023 में मनाली में भारी बारिश के बाद व्यास नदी में बाढ़ आ गई थी, जिससे कई पुल और सड़कें टूट गई थी। इस बाढ़ में कई लोग फंस गए थे और दुकानों को भी बहुत नुकसान पहुंचा था। यही नहीं, 8 अगस्त 2022 में भी कुल्लू में भारी बारिश के कारण पार्वती नदी में बाढ़ आ गई थी, जिससे मणिकरण और कसौल के बीच का रास्ता बंद हो गया था और वहां पर कुछ लोग फंसे थे, जिन्हें रेस्क्यू टीम के द्वारा सुरक्षित बाहर निकाला गया। 25 जुलाई 2021 मनाली में अचानक बाढ़ आने से कई टूरिस्ट वाहन और स्थानीय लोगों के घर बह गए थे। इस बाढ़ में एक पुल भी टूट गया था, जिससे इलाके में यातायात प्रभावित हुआ था। यहां पर मौसम का कहर जारी है और प्रशासन सभी प्रभावितों की मदद के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में स्थिति सामान्य हो जाए।